यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक बहुत ही बड़े स्कैम के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि इस टाइम पर बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अब इस स्कैम में चल क्या रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि अनाथ आश्रम में जाकर अनाथ बच्चे जिनकी उम्र की 6-8 साल है उनको अडॉप्ट कर रही हैं और फिर उन्हें अपने घर लाकर उन्हें अच्छे खासे नए नए फैशनेबल मॉडर्न कपड़े पहना रहे हैं, उनका अच्छा भला मेकअप टचअप कर रही हैं और फिर उसके बाद उनसे सोशल मीडिया पर रीलें बनवा रही हैं और रीलें भी ऐसी कि जो लोग इन रीलों को देख रहे हैं वो तक इन बच्चों के माँ बापों को कोस रही हैं। अब ये रील देखकर तुम खुद बताओ कि कोई सगे माँ बाप होंगे जो कि अपने 5-6 साल के बच्चे से ऐसा रील बनवाना चाहेंगे? नहीं। और अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों से रील बनवा भी रहा है तो भाई ढंग की तो बनाओ। नहीं पता है हमें कि उस बच्चे की रीलों की वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, तो पालने की अगर तुम जिम्मेदारी नहीं भी ले रहे हो तो कम से कम परवरिश करने की तो जिम्मेदारी लो। शर्म करो, भगवान से डरो, खुशड़ी वालो भगवान से। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही माँ बाप और उनके बच्चों की जिन बच्चों की रील देख करके मुझे पहली बार रियलाइजेशन हो रहा है कि भगवान आप सिर्फ दो लोगों के एंजॉयमेंट करने की वजह से ही किसी और की जिंदगी की जिम्मेदारी कैसे सौंप सकते हो। उस बच्चे के पास भी तो हक होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप खुद चुन सके। देख लो भगवान जी की आपके सिस्टम के इसी लूप होल की वजह से कितने बच्चों की जिंदगी उनके खुद के माँ बापों की वजह से खराब हो रही है। ये सब किसके लिए, किसको पता है किसकी किस्मत में क्या लिखा है, किससे मिलना किससे बिछड़ना, किस 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 बोलना बंद करो नहीं तो अभी टेबल पे चढ़ के तुम्हें किस कर दूंगी। ओहो, बताओ यार ये किस करने के लिए भी कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है बिचारी को। बेटा आप बोलो तो मैं चढ़ा दूं आपको टेबल पे, क्योंकि खुद से तो इससे चढ़ा जाने से रहा। ये ऐसे बच्चे देखकर तुम्हें नहीं लगता यार कि ओमनी वैन को वापस अपने सही काम पर लौट आना चाहिए? इस वीडियो को देखकर ना मैं एक बात की तो गारंटी दे सकता हूँ कि इन बच्चों के माँ बाप तो पक्का इस दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि अपने जीते जी अपने पोता पोतों को इस तरीके से बर्बाद कोई नहीं होने देगा। और वैसे ये बच्चे उन्हीं माँ बाप के जो कि अपने गली मोहल्ले में रहने वाले लेबर मजदूरों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को खेलने से रोकते हैं कि कहीं उनके साथ खेल के इनके बच्चे कुछ गलत आदत ना सीख जाएं, लेकिन घर में ये खुद बहुत अच्छी चीजें सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। बोल के तू सिंगल नहीं है। मैं सिंगल नहीं हूँ यार। ये बंदा बड़ा होगा कुछ एक्टर वैक्टर बने ना बने, लेकिन घर जमाई जरूर बनेगा। फुल घर जमाई वाला मटेरियल है, हर किसी की बात मान लेता है। माँ बाप की बातें मानकर रील बनाने आ गया। और माँ बाप तो ठीक है, लेकिन इसकी बातें क्यों मान रहा है तू? बच्चे अपनी मर्जाना सकती जगह ये कॉलर कैसे पकड़ सकती है तेरा? मार साड़ के चाटा खींच के। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड तेरी? मैं बीवी हूँ तेरी। बोल से तो अभी मैं शादी कहूँगी तो कभी ना कभी तो होगी, बोल जल्दी। हाँ यार ये मेरी बीवी है। बीवी? बेटे पेट में गुजारे हुए अगर 9 महीने भी जोड़ दो ना तो भी बीवी बनने के लिए जितने फेरे लेने होते हैं उसके बराबर उम्र नहीं बनेगी तेरी। लेकिन इसलिए बोलता है यार कि अपने बच्चों के सामने माँ बाप बन के रहा करो, पति पत्नी नहीं। देख लिया होगा इसने अपने माँ बाप को एक ही प्लेट में खाना खाते हुए, तो अब इसे लग रहा है कि इसने स्कूल में इसके साथ अपना टिफिन शेयर कर लिया तो ये अब इसका पति बन गया। और वैसे बेटा इस उम्र में तो अपने ऐसी बीवी को संभाल लेगा कैसे? साला तेरे उम्र के लोगों के लिए तो मार्केट में लेदर की बेल्ट भी नहीं मिलती है। जब प्यार नहीं था तब तो यकीन कर लिया। अब ऐसे ये देखकर मुझे अच्छा तो लगा यार कि चलो बच्चों में मैच्योरिटी की उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन यही देखकर बहुत बुरा भी लग रहा है यार कि प्यूबर्टी की उम्र तो इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। ये 6-7 साल के बच्चों की इतनी लिपस्टिक कौन और क्यों लगा रहा है? उसकी हेल्थ की अगर कोई परवाह नहीं तो कम से कम उसके इनोसेंस की, उसके बच्चे होने की तो शर्म कर लो यार। साला ये लिपस्टिक देखने के बाद बच्चा मानने का मन नहीं कर रहा इसको। बेशर्म आदमी। जब प्यार नहीं था तब तो यकीन कर लिया, प्यार करती हूँ तो अब यकीन नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो भाई लोग प्रॉब्लम जानने से, बेटे तुझे तो मेरी बातें समझ नहीं आएंगी लेकिन साथ तेरे घर वालों को आ जाए तो फिर सुनो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे ऐसे वीडियोस बनाने से तुम्हारे घर वालों को क्यों प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम ने अपने ऐप पर 13+ की गाइडलाइन बना रखी है, लेकिन फिर भी तुम जैसे दूध हुए बच्चों के इंस्टाग्राम पर अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं और इंस्टाग्राम को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये हमारी प्रॉब्लम है। और इंस्टाग्राम के भाड़ में तुम्हारी जिन बातों में तुम्हारी जिन रीलों को बनाने में पूरी दुनिया को प्रॉब्लम नजर आ रही है, उन सब चीजों में तुम्हारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं नजर आ रही है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तुम्हारी ये रिले जब और बच्चों तक पहुंचेंगे और वो बच्चे भी कुछ ऐसे हरकतें करने की सोचेंगे तो उनके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी, ये हमारी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हारे दादाजी के टाइम पर प्रोटेक्शन यूज करने की अवेयरनेस क्यों नहीं थी, जिसकी वजह से कि तुम्हारे प्रॉब्लमेस्टिक माँ बाप पैदा हो गए, फिर उन लोगों ने हमारी और प्रॉब्लम बढ़ा दी तुम लोगों को पैदा करके, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शांत कड़ाधारी भीम, शांत। किन नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? मैं फिर से दुआ खाना नहीं चाहता। क्या नहीं खाना चाहता है तू? मैं फिर से धोखा खाना नहीं चाहता। अबे कभी फल भी धो के खाए तूने? धोखा नहीं खाना चाहता है। चल। नहीं इसकी मम्मी का ना अगर कभी बाजार जाने को होता है उनके पीछे दरवाजे तक आ जाता है और फिर इसकी मम्मी से बोलती कि जा बेटा अंदर जाके चप्पल उतार के और जूते पहन के मैं तेरे लिए यहीं पर इंतजार कर रही हूँ, तो ये सच में अंदर चला जाता है और वो भी हर बार, और बात कर रहा है धोखा नहीं खाने की। कहाँ चले मिस? सितारों में।
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने की उम्र में तारों में जाना है इसे। मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर मेरे आसपास से बच्चे हो तो यार मैं तो उन्हें सच में तारों में भेज देता, लेकिन बिजली के। देखो यार, मुझे ना किसी भी बच्चे के कोई रील बनाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी रील इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी बनाते हैं और उन्हें देखकर अच्छा लगता है, वो वीडियो सच में अच्छी होती है। लेकिन जो बच्चों से फालतू की रील बनवाई जा रहे हैं जिनसे कि एक तरीके से देखा जाए तो ये बच्चे एक्सप्लॉइट ही हो रही हैं। इसलिए अपने बच्चों से ऐसे रील बनवाने वाले घर वाले तो यार क्रिटिसिज्म और गालियां दोनों ही डिजर्व करते हैं। बात तो सही है। और अब बच्चे तुम लोग तो तुम कमेंट बॉक्स में दे देना क्रिटिसिज्म। तो चलो यार, फिर फिलहाल इस वीडियो को लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। और अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तेरा भी जरूर से कर देना। बाकी आप लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।